नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफरावादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर जॉन डियर ट्रैक्टर की वीडियो। जॉन डियर ट्रैक्टर ने राजस्थानी कटर को फिरकनी बना दिया। देखिए आप पूरा वीडियो, लगातार हम आपको इस तरह की वीडियो दिखा रहे हैं। इस किसान जिसका ट्रैक्टर है जॉन डियर, उससे भी बात कराएंगे किस तरह फर्राटा भर रहा है। यह जॉन डियर ट्रैक्टर राजस्थानी कटर है, यह 2757 साइज का कटर है, अच्छी खासी निकासी कर रहा है। ट्रैक्टर मालिक का दावा है कि 50 मन प्रति घंटे में यह निकासी कर रहा है। लाख अच्छा हो, गेहूं अच्छा पका हुआ तो बेहतर निकासी कर सकता है कोई भी ट्रैक्टर, लेकिन जॉन डियर के बारे में तो आपने सभी ने सुन रखा होगा। भाइयों, जॉन डियर क्लच और पीटीओ का काफ़ी मजबूत ट्रैक्टर माना जाता है। यह ट्रैक्टर हालांकि तेल कुछ ज़्यादा लेता है, लेकिन दमदार ट्रैक्टर माना जाता है। एक घंटे में 6 से 7 लीटर तेल लेता है, चाहे खेती किसानी में रोटावेटर, हैरो, कल्टीवेटर का काम हो या फिर कोई अन्य कामकाज, लेकिन थ्रेसिंग पर भी इस ट्रैक्टर का कोई जवाब नहीं। 6 से 7 लीटर डीजल लेता है एक घंटे में, अच्छी खासी निकासी करता है। 3 सिलेंडर का 50 हॉर्स पावर का यह ट्रैक्टर है। मेंटेनेंस इस ट्रैक्टर में काफ़ी कम माना जाता है, और इस ट्रैक्टर की एक तारीफ ये है कि कम रेस पर ही यह पीर पूरे RPM बनाता है। हम आपको दिखाएंगे थ्रेसर पर कितने RPM ले रहा है, और बिल्कुल भी RPM इसके टूट नहीं रहे हैं। गेहूँ देख ही रहे हैं आप, अच्छी निकासी कर रहा है, पूरा गेहूं का जो पतनाला है वो अब भर कर चल रहा है। हालांकि गेहूं का लाख भी काफ़ी सूखा है, लेकिन आजकल गेहूं की फौन कुछ कम हो रही है। देखिए किस तरह PTO इसका काम कर रहा है, बिल्कुल मस्त चाल में है और बिना किसी लोड महसूस किए यह ट्रैक्टर चल रहा है। बिल्कुल भी लोड महसूस नहीं कर रहा है यह ट्रैक्टर, और हम इसका आपको RPM दिखाएंगे, इसके मीटर पर आपकी नज़र। देखिए किस तरह से काम कर रहा है, अब इसके RPM देखें, 1500 RPM ले रहा है यह, 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। RPM में उतार चढ़ाव बिल्कुल कम है, चूंकि लोड यह महसूस नहीं कर रहा, बिल्कुल बेखटके चल रहा है। राजस्थानी कटर है यह, काफ़ी अच्छे साइज का कटर है, सिंगल व्हील का ही कटर है और सिंगल फैन का कटर है। अब इस किसान से बात करते हैं कितना तेल लेता है और क्या क्या काम किसान इस ट्रैक्टर पर करते हैं, आप भी सुने पूरा वीडियो देखें। जी भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देशराज सिंह। देशराज सिंह, कौन सा गांव है आपका? मेहमतपुर जादव। अच्छा, ये जो आपका ये चल रहा है जॉन डियर ट्रैक्टर, हाँ जी, कौन सा 5305 कौन सा मॉडल है? ये है 2019 है। हाँ जी। अच्छा, ये जो कटर जो चल रहा है इस पर, ये है अलवर की। कितने पैसे में खरीदी थी कटर आपने? कटर खरीद 1.25 लाख रुपए में। बस 1.25 लाख रुपए कटर है? हाँ। तो सिंगल व्हील है या डबल व्हील है? सिंगल व्हील। सिंगल व्हील सिंगल फैन? हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्या निकासी कर रही है घंटे में ये आपकी? एक घंटे में अगर नाज बढ़िया है तो 50 मन। 50 मन निकाल रही है? हाँ। और यदि थोड़ा गीला लाख है तो कम निकालेगी? गीला लाख है तो कम निकालेगी। अच्छा, कितना ये डीजल ले रहा है आपका घंटे में? एक घंटे में 6 से 7 लीटर। 6 से 7 लीटर ले रहा है। हाँ। RPM 1500 चल रहे हैं इसके। हाँ। अच्छा, और कोई खास इसमें कोई दिक्कत आ रही है कटर में निकालने में? कुछ गांठा वाँटा दे रही है? सही दे रही है? कुछ नहीं इस वक्त। अच्छा, ये 1.25 लाख रुपये में कितनी सस्ती क्यों मिल गई तुम्हें? ये अभी हमने सेकंड हैंड ली है। अच्छा, ये सेकंड हैंड ली है तुम्हें? हाँ, जब मिली है 1.25 लाख रुपये। अच्छा अच्छा, अब ये जो कटर जो तुम्हारा ये ट्रैक्टर है 6 लीटर या 7 लीटर ले रहा है कटर पर एक घंटे में, और खेतों में कितना लेता है ये? खेतों में 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर लेता है, तो एम्पियर वहाँ भी कितने? 1500 एम्पियर लेता है कि कम लेता है? 15 से 16 तक। 15 से 16 तक, इसमें भी 1500 एम्पियर ले रहा है ये। हाँ। तो लेकिन यहाँ तेल ज़्यादा ले रहा है ये। हाँ। खेत में कम लेता है। हाँ। इसकी वजह क्या है? कटर पर लोड ज़्यादा है। कटर पर लोड ज़्यादा है। हाँ। और इस ट्रैक्टर की क्या विशेषता है जॉन डियर की, आप ये बताइए?
जॉन डियर की ये विशेषता है कि अच्छी जुताई, मतलब बढ़िया लोड, और दबने का कोई मतलब ही नहीं है। स्पीड तो कम रहती है, दौड़ तो कम पाता है ये? ना, दौड़ बढ़िया है, पूरी है। अच्छा अच्छा, और क्या काम करते हो खेतों में इससे आप? खेतों में रोटावेटर, टिलर और ये कटर है ही। अच्छा, ये कटर जो आप निकाल रहे हो, इससे सेकंड हैंड मशीन लिया आपने? हाँ। तो ये 50 मन निकाल लिए घंटे में? हाँ, अच्छे, जैसे गेहूं एक बीघे में 10 से 12 मन निकल रहे हैं तो 50 मन। अगर गेहूं का औसत है 7 मन या 8 मन तो वो एक घंटा में औसत भी कम है। औसत कम है, बाकी ये बिल्कुल बिना मस्त चाल में चल रहा है ट्रैक्टर? मस्त चाल में चल रहा है, बिना किसी लोड दबे हुए, है ना? हाँ, बिना आरपीएम तोड़े हुए, बिल्कुल। तो भाइयों, यह थी जॉन डियर ट्रैक्टर की कहानी, किसान की जुबानी। आगे भी हम आपको इस तरह के ट्रैक्टर खेती किसानी में काम करते हुए आरपीएम के साथ दिखाते रहेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। सतीश शर्मा जाफर।